आपकी वजह से ना हम अपना मेनू नहीं चेंज कर सकते। अरे अगर आपके स्टाफ वालों को ना करेले नहीं पसंद है तो हम क्या करें? हैं नहीं बोल दिया तो बोल दिया, नहीं होगा। क्या सुनोगी? एक बार कहा ना आपकी वजह से। चलो रेडी आ जाओ मैडम, वापस आओ। थोड़ा किचन ही मैम हल्का सा, हाँ बस ज़्यादा हो गया मैम, हल्का सा आइए ना, आगे आओ अभी, थोड़ा और पीछे, थोड़ा सा बस, थोड़ा आगे आओ मैम। रूलिंग एंड एक्शन। लेकिन मैं, अरे अरे आप तो सुनेंगे या बोलते रहेंगे हैं? अरे आपको मैंने बोला ना कि आपकी वजह से हमारा मेन्यू नहीं चेंज हो सकता। अरे अगर आपके स्टाफ मेंबर्स को ना करेले नहीं पसंद तो उसमें हम क्या करें? नहीं होगा तो नहीं होगा बोल दिया मैंने। हाँ बोल दिया आपका क्या हुआ? बोले बोल रहा है ओके, या रोलिंग एंड एक्शन।
अच्छा ये ऐसे ले लो, पूरी रात दोस्ती दोस्ती खेलने में निकल गई, कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं। हाँ वो स्माइल है। बोलिंग एंड एक्शन। नींद नहीं आई। पूरी रात दोस्ती दोस्ती खेलने में निकल गई। अच्छा? कुछ नहीं ले रही है। एक्शन। हाँ सुनो, इसमें ये जो अभी लुक रखा हुआ ना, ये लुक रख के पूरी लाइन को रेडी। रोलिंग रोलिंग से रोलिंग एक्शन। करेगा तो ये मना कर रहा है, वो मना कर दिया मैंने भी। हो तुम तो रात भर सोई नहीं क्या है? ओके बड़ी आज अभी तक तो बहुत कम किया है। मैं किचन में गई हूँ अपनी प्रिया सेंट्रल। आज एक्चुअली मैं अपनी प्रिया सेंट्रल टिफिन में गई हूँ और ये उस रात के बाद है जब श्रवण और मेरे बीच में फाइनली चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं क्या है। तो मैं थोड़ी लॉस्ट हूँ, थोड़ी स्लीप डिप्राइव्ड हूँ और वहाँ जाकर प्रीता बहुत एक्साइटेडली मुझसे पूछती है कि फाइनली क्या हुआ, बिकॉज़ प्रीता ने कुछ ज़्यादा ही हाइप कर दिया था कि वो शायद पता नहीं क्या मांग लेगा मेरे को अब मुझसे। सो इट्स अबाउट दैट, लेकिन थोड़ा डल भी हूँ मैं कि मतलब क्या मांग लिया उसने। एंड प्रीता एक वापस से आइडिया देती है, प्रीता कम्स अप विद खतरनाक आइडियाज़, तो उसने वापस एक आइडिया दिया है एंड आई बिहेव लाइक कि अरे मुझे पता नहीं है बट आई एम एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन दैट आइडिया। गेम तो नहीं खेलूंगी बट हाँ मैं मतलब थोड़े तरीके जरूर अपनाऊंगी ये देखने के लिए कि डज ही एक्चुअली लव मी और इज ही जस्ट प्लेइंग अराउंड। मैम आजकल क्रिकेट का माहौल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी? एनी डे मुंबई इंडियंस, क्योंकि आई थिंक मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा वक्त मुंबई में बिताया है तो विदाउट एनी क्वेश्चन माई लॉयल्टी गोज टूवर्ड्स मुंबई। आई नो मुंबई इज नॉट प्लेइंग वेरी वेल इन द आईपीएल राइट नाउ बट स्टिल मुंबई वी सपोर्ट यू। क्रिकेट वुमेन के ऊपर सेंस इसलिए भी नहीं बनेगा क्योंकि हमारे कंट्री में वुमेन क्रिकेट इज़ नॉट वेरी वेल नोन अमंग्स पीपल। लोग आई थिंक अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से जाके पूछोगे उसको ये भी नहीं पता होगा कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, की कैप्टन कौन है। तो वो पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे इफ़ यू सी मैरी कॉम फॉर इंस्टेंस, शी हैज़ अ नेम, एवरीबडी नोज हु मैरी कॉम इज, इसलिए उनके ऊपर एक बायोपिक बनी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में आई एम श्योर देर आर वुमेन हु आर वर्थ बीइंग नोन टू एवरीबडी, लेकिन ऐसे कोई है नहीं जिसको सब जानते हैं जिनके ऊपर बायोपिक बन सके। अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए वुमेन्स स्पोर्ट के लिए तो आप क्या करना चाहेंगे? I would love to play it, like love to play it any day, because whenever you go watch such movies, तो जो actors वो किरदार निभा रहे होते हैं उनको देखकर लगता है कि there is a lot of hard work they've undergone to kind of get that physique, to you know get into that kind of particular character. And जब भी एक जैसे एक इंसान के character में घुसने के लिए
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बिकॉज क्या होता है कि अगर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है तो आप अपने ही दिमाग में कुछ चीज़ें बनाते हो, वो निकलती है, बट वेन यू आर पोर्ट्रेइंग समबडी, वेन यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ समबडी इन स्पेसिफिक, तो आपको उस इंसान की तरह बिहेव करना है, तो यू हैव टू स्टडी दैट पर्सन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू, सो इट्स इंटरेस्टिंग, कभी आई होप आई गेट टू डू दैट। एक्टिंग करते करते कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि हाँ हम प्लेयर ही हैं, अभी इस वक्त हम प्लेयर हैं। वो तो समझना ही पड़ता है, अदरवाइज यू कांट बी ट्रू टू द कैरेक्टर, यू विल हैव टू थिंक कि अगर लाइक इफ आई एम डूइंग अ मैरी कम, आई हैव टू थिंक आई एम अ बॉक्सर, ओनली देन यू कैन डू इट। अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि इस समय मैं बहुत स्लीपी लग रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर दैट, बट आई वुड जस्ट से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव दैट यू पीपल हैव बीन गिविंग। आप लोग हमारा शो पसंद कर रहे हैं उसके लिए अगेन अ बिग बिग थैंक यू, एंड आई जस्ट होप वी कैन यू नो टू कंटिन्यू डूइंग आर बेस्ट एंड वी कैन कीप द लव कमिंग इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।